आप कितना कंट्रोवर्सी में रहना पसंद करते हैं? कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम मटरू है, तो अच्छा लगता है मुझे। तो बताइए भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है सेलिब्रिटियों का? कौन सेलिब्रिटी, हमसे बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, मैं सेलिब्रिटी हूँ, था और रहूंगा, मेरे सामने सब खत्म है। अच्छा हाँ, अच्छा आगे बोलिए। अभी तक कौन कौन हीरो साथ मतलब कंट्रोवर्सी कर चुके हैं? हीरो मैं खुद ही हीरो हूँ। हीरो क्या होता है, मैं अपने आप को हीरो मानता हूँ, CG24 अपने आप को हीरो मानता हूँ और हमेशा मानूंगा। मैं अपना जो काम करता हूँ हीरो की तरह करता हूँ, तो मैं हीरो हूँ। कहे का मतलब कुछ इंडस्ट्री में सुपरस्टार भी हैं, फिल्मों के हीरो भी हैं। अच्छा, जो पर्दे पर लड़ते झड़ते रहते हैं, इंडस्ट्री के अगर उस सुपरस्टार हैं तो हम खुदे सुपरस्टार बनिया। जो लड़े झगड़े वाला कब सुपरस्टार स्टार होला जी, का बतिया तो नहीं रुआ। जो प्यार से पेश आए उसको स्टार कहते हैं, और जब सबको हंसा दे उसको सुपर स्टार कहते हैं। क्या बात है सुपर। मैं कहना चाहता हूँ पवन सिंह, खेसारी लाल और रितेश पांडे की कंट्रोवर्सी चल रहा है, उस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है क्या, मुझे जानकारी नहीं, जरा बताइए, विस्तृत जानकारी दीजिए, तो मैं इस पर कुछ प्रकाश डालूं, रोशनी टॉर्च वर्च बताइए। चलिए आप आंसर नहीं देना चाहते हैं। अरे नहीं मैं लीजिए आप सही में। अरे भैया मैं शूटिंग में था स्विट्जरलैंड, वहाँ से आया हूँ, आज आया हूँ, दूल्हा टू में फंस गया हूँ, मुझे बताइए ना, मैं बताऊँगा। हम आगे बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं और कौन कौन फिल्में इन लोग साथ अपनी आ रही है। अभी हम लोग जैसा कि अपना ये क्या नाम है, एक सेकेंड इसको रख ले दीजिए। हाँ अभी जो हम फिल्म कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद शायद 40 दिन का एक शेड्यूल लगने वाला है कश्मीर में, या 10 जैन जी का ही है, तो 27 को संभवतः टेंटिवली 27 तारीख को हम लोग कश्मीर जाएंगे, जिसमें इस क्रू के जितने लोग हैं, जितना का नाम मैंने बताया, ये सारे लोग ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं, और माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेके हम लोग कश्मीर में, जैसा कि मोदी जी ने इतना बढ़िया सब कुछ कर दिया है, तो वहाँ जाके झंडा फहरा देना है 15-26 जनवरी को, लेकिन 27 को जाना है, झंडा फहराने के बाद जाना है लाल किला जाना है। लाल किला नहीं नहीं लाल चौक यस याद है अपना, आपको इतिहास याद है? नहीं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप तो गलत बोल रहे थे, इतिहास नहीं याद आपको। ये सब कौन नहीं जानता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। क्या संजय बाबू आप हमको पटना में है मुंबई में कहे थे ना कि आदमी उंगली करता है, लाल किला पटना में है मुंबई में है? लाल किला पटना में है कि मुंबई में है? इतना भी पूर्वक नहीं है, दिल्ली में है महाराज। सीरियस तब तो गोलघर भी दिल्ली में होगा ना, वो पटना में है, बचपन में उस पर खेले हैं, चढ़े हैं, तब पटना का है। चढ़ के काका दिख रहे थे, पूरा पटना दिखता था, और सुने हैं कि उसको अंग्रेज बनाया था अन्न का भंडारण करने के लिए। मैं दर्शकों को जो जे हमारे पटना के नेखन दर्शक ओका के हम बतावे के चाहते, जो गोलघर बा उमें कितना मैट्रिक टन अनाज रखल जा सकेला, जेकरा से बिहार के कम जितना जनसंख्या बा 2-3 महीना आराम से खा सकेला जो। हाँ तो ये जानकारी रहल इतिहास के। आगरा का जो ताजमहल है वो किस राज्य में है? आगरा का ताजमहल किस राज्य में है? बिहार में तो नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, जोगी जी के राज में है। अच्छा हाँ, और पगलखाना भी है। यानी आप गलत बोल रहे थे हमको, आपको इतिहास याद नहीं है, सब कुछ याद है। अरे महाराज करत अभ्यास थे। अच्छा, हो गया याद, हो गया। जहिया से उसको एक्सपेल करवाए हैं उसके बाद पढ़े तब ना पास हुए, नहीं तो पहले और न जाते। आपके साथ कॉमेडी करके बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए संजय बाबू आई लव यू, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, और हम सभी दर्शक को प्रणाम आदाब और खुदा हाफिज करना चाहते हैं इसी के साथ, और आप खुश रहिए, ऐसे ही मैं हमेशा आता रहूँगा, आपको हमेशा गुदगुदाता रहूँगा, हंसाता रहूँगा, और संजय बाबू को मैं भी तंग करता रहूँगा, ये उंगली करेंगे हम इनको तंग करेंगे। अच्छा ये बताइए आपका शादी हो चुका है? नहीं अभी नहीं हुआ, कोई लड़की तैयार नहीं हो रही है ब्याह करने के लिए। कितना टांग वाली करना है शादी, 2 टांग वाली है? नहीं हम तो 3 टांग वाले हैं, 2 टांग वाले से न करेंगे। अच्छा तो कैसा लड़की खोज रहे हैं जरा बताएं, गोर करिया सांवल? अरे जैसन सोच ले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ू, आ सांवर न गोर बाड़ू हो। सांवर आ गोर से हमको मतलब नहीं है, एक सुंदर सुशील महिला जो मिल चुकी हैं उनके लिए गाना था, आगे का मुझे नहीं मालूम, आप फंसा दीजिएगा क्या महाराज, गजब बात करते हैं आप। मतलब आप एक एक्सेप्ट कर लिए कि आप शादी हो जाए? शादी
हो चुका है, शुदा नहीं हुआ है। अच्छा, शुदा दूसरे के साथ करेंगे, शादी हो गई है। चलिए, भगवान करे आपकी इच्छाएं पूरी हो। धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।